नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव। बीजेपी की सरकार में कुम्हारों के अच्छे दिन। जनपद शाहजहांपुर में भी दिवाली से पूर्व प्रधानमंत्री जी के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक उपलब्ध कराने से उनके काम में इजाफा हुआ है। पहली बार दिवाली से पहले इस तरह बड़े हुए काम से उनकी जिंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। जब उन्हें दिवाली पर्व के दीपक बनाने के अलावा दैनिक प्रयोग में आने वाले मिट्टी के कुल्हड़, कप, गमले, सुराही जैसे ऑर्डर की बरसात हो रही है, जिन्हें वह रात दिन इलेक्ट्रॉनिक चाक चलाकर अपने ऑर्डर तैयार को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अपनी पूरी जिंदगी चाक चलाने और मिट्टी को आकार देने में गुजार चुके बुजुर्ग कुम्हार श्री राम बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी इतने अच्छे दिन कुम्हार समाज ने अपनी जिंदगी में देखे होंगे। कल तक जिस कुम्हार की पूछ सिर्फ दशहरा दिवाली तक ही सीमित रह गई थी, उस कुम्हार को और उसके हाथों द्वारा बनने वाले मिट्टी के कुल्हड़, कपों, ग्लासों को हर कोई पूछ रहा है। उनका कहना है, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक चाक तो दे दिए, अब मिट्टी और सरकार दे दे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन पकाने में पुरानी विधि का प्रयोग करने से खर्चा ज़्यादा और प्रदूषण भी होता है। युवा कुम्हार राजीव कुमार प्रजापति और अमित प्रजापति ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने से पहले ही अपेक्षा काम काफ़ी बढ़ा है। उन्होंने बताया, अब किसी समय काम की कमी नहीं रहती है और इस इलेक्ट्रॉनिक से काम भी कम समय में ज़्यादा हो जाता है। उन्होंने बताया, मिट्टी के सामान को पकाने के लिए मिट्टी की व्यवस्था सरकार और कर दे, क्योंकि अब हर समय काम मिलने से मिट्टी के सामान पकाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पुराने तरीके से खर्चा भी ज़्यादा आता है और प्रदूषण भी ज़्यादा होता है। इस समय इतने ऑर्डर उनके पास हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को उनका हाथ बटाना पड़ रहा है। परिवार की तरक्की देख परिवार की महिलाएं भी बहुत खुश हैं। वह कहती हैं, जब ये प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है, उनके परिवार में खुशहाली आ गई है। अरे हम सबके लिए भरो राजीव कुमार प्रजापति है। मैं जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में। मेरे यहाँ मिट्टी का काम होता है। मुझको गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चाक भी मिला हुआ है, मगर क्या आप उसके लिए मिट्टी को पकाने के लिए एक हमको अगर भट्टी भी और भी इशू हो जाती गवर्नमेंट के द्वारा तो और भी बेहतर रहता, क्यों उससे जो है हम लोग खर्चा बहुत कम होता। इससे क्या है, अगर हम लोग पुरानी अगर प्रक्रिया से अगर करते हैं तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक भट्टी मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। इससे क्या है, इससे मतलब यार हम लोगों का खर्चा कम होगा, समय भी कम हो खर्चा होगा और काम भी ज़्यादा हो निकलेगा। पे जो चाइनीज़ सामान बन किए गए, इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा बेनिफिट मिला है। सर तो मतलब हम लोग ये चाहते हैं, और हमें जो लाइट वगैरह का जो चाक मिला है इसके साथ में भट्टी भी मिल जाती है तो और थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, आराम हो जाती है हम लोगों को। और इस दिवाली के मौके पे हमारा काम इतना बढ़ रहा है, हमें बहुत खुशहाली मिल रही है।
इस गवर्नमेंट से यही अपील है कि मतलब ऐसे ही हमारा काम में बरकत होती रहे, बस और कुछ नहीं जानते हैं। उस पर मतलब कभी खदान बंद होने के कारण जो उसे रोक लगा दी जाती है वो ना रोकी है, इसके लिए उसे गवर्नमेंट हमारा ध्यान दें तो उससे हमें कुछ ये आराम हो जाती है कि मतलब हमारे आने वाले जो चाक मिट्टी लाते हैं लोग वो बंद होने पे हमें बहुत दिक्कत हो जाती है प्रॉब्लम, उस पर गवर्नमेंट हमारा थोड़ा ध्यान दे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा।